Hey guys, welcome back to another vlog. तो guys, अभी का सीन है कि जस्ट आज छुट्टी है स्कूल की, क्योंकि कल एग्जाम है हिंदी का. कल है 5 तारीख, तो आज 4 तारीख. तो आज जो है हिंदी का जो है एग्ज़ाम की जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और राहुल का है कंप्यूटर का, तो वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था. और जस्ट मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं. आज लगभग मैं थोड़ा यार जो मैं लॉन्ग करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा बड़ा व्लॉग बनाया जाए आप सभी के लिए, लगभग जो है 8-9 मिनट का. तो मैं सोच रहा हूँ भाई बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक जो सेपरेट वीडियो बनाऊँ हमारी फुल सिटी है जो नानू का, आपको हर एक चीज़ जो मतलब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा. अलग अलग पार्ट बनाएंगे तो फिर जो आपको दिखाएंगे बहुत जल्द. अभी तो नहीं, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे, तो ज़्यादा ध्यान है जो सबसे ज़्यादा मैं पढ़ाई पर दे रहा हूँ. तो एग्ज़ाम ओवर होने के बाद तो लगभग वो है कि भाई मैं 16 तारीख को है जाने वाला हूँ मामा के घर, क्योंकि 16 को आखिरी पेपर है जो कि होने वाला है मेरे ख्याल से, पता नहीं किसी से देखेंगे. तो उस पेपर वाले दिन आने के बाद हम जाएंगे मामा के, एंड फिर वहाँ पे जो है जींद में मेरे मामा रहते हैं, तो जींद में जो है बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि फुल मज़ेदार है और एक नंबर की जगह है. जैसे कि एक रानी तालाब हो गया जहाँ पे कि रहस्य से जो है वो भरा हुआ है, और वहाँ पे एक मूवी भी शूट की हुई है पहले वाले ज़माने में, लगभग जो है यार 1900 कितने में एक मूवी आई थी और जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी, जो कि रानी तालाब में बनाई हुई थी राजा रानी के ऊपर. तो एक वहाँ की मैं सोच रहा हूँ कि मस्त वीडियो बनाएंगे, तो जो फटाफट आज मेरे को सेकंड चैनल के लिए वीडियो बनाना है, तो फटाफट जो है सेकंड चैनल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और फिर देखते हैं आज क्या कुछ करने वाले हैं. गाइज, मैंने दो कल टी शर्ट आई थी वो वाली पहन ली, और अभी मैं जा रहा हूँ पार्क में खेलने के लिए. तो क्या नाम है, उधर फुटबॉल खेलेंगे, और शायद नई फुटबॉल भी ला सकते हैं आज, क्योंकि सभी बच्चे आए मिलेंगे तो पैसे इकट्ठे कर लेंगे और फिर नई फुटबॉल भी लाएंगे. तो अभी पार्क में जाते हैं, आपको सीधा पार्क में मिलते हैं, तो चलते हैं जल्दी से. तो गाइज अभी ऐसे ना, मैं तो आज को हम पार्क में, और अभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे, तो आपको दिखाते हैं. मैं भी उठी, बच्चे ज़्यादा नहीं आए अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ी धूप और बाद में आएंगे. गाइज अभी आए हम पार्क के अंदर यहाँ पे, और थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स आप मैंने लिए, तो वो आपको जो ये मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में. और अभी ऋतिक राहुल और मैं आए हैं, तो भाई राहुल ने भाई आज न्यू वाली शर्ट पहन रखी, तो भाई कैसी लग रही है मेरे को, कूल है भाई, काफ़ी कूल है. और मैंने कुर्ता पजामा पहना अपना, तो काफ़ी मस्त लग रहा है. तो अभी चलते हैं भाई फटाफट से घर की तरफ, और कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आप देख सकते. सीन है हर दिमाग बहुत ख़राब कर दिया है इस राहुल ने. एडिटिंग कर रहा था, और एडिटिंग करने के लिए जो क्लिप्स डाल रहा था लैपटॉप के अंदर, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, इसने जो क्लिप थी भाई, जो अपने एक यूट्यूबर हैं आगे दीप ने, तो उनके जो है 5,500 इतने सब्सक्राइबर्स है, तो भाई उन्होंने उनके साथ एक छोटी क्लिप थी 1-2 मिनट की, तो भाई वो क्लिप है एक, तो वो क्लिप डिलीट कर दी. मतलब डिलीट हो गई कर तो क्या दी, और मेरी 3 क्लिप वो थी अलग अलग मतलब पार्क की थी भाई, वो तीनों डिलीट वो कर दिया यार. तो अब ये दिमाग खराब हुआ है. व्लॉग मैं सोच रहा चलो आज 8-9 मिनट का बन जाएगा, और सारी
कर दिया है, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया इसने भाई। मन तो इतना गुस्सा आ रहा है, रहा से रहा ऊपर से भाई, सही में मजाक की बात नहीं, दिमाग बहुत खराब कर दिया है। मुश्किल से तो जो है यार इतना बढ़िया बढ़िया सोच लिया था पार्क के अंदर, और सारा का सारा इसने खराब कर दिया भाई, दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। मेरा मारने का मन कर रहा था इसके। और भाई अभी तो जस्ट मैंने थोड़ा बहुत और ही शूट कर रहा हूँ मैं पार्क का जो है, फिर यार मैं वापस से गया शूट करने के, क्योंकि थोड़ा लेट होने से पहले ही रह गया था। फिर जो है थोड़ी बहुत क्लिप्स थी वो मैंने दिखाई थी, फिर जो है कुछ डिलीट हो गई, तो भाई वो वापस करने गया था, उसके चक्कर में फिर शाम होगी तो भाई फिर वो हो नहीं पाई। तो भाई थोड़ा बहुत जितना ही है वो किया है। अभी जैसे कि राहुल पढ़ ही रहा है यहाँ पे अपना, तो भाई पढ़ो अब, पढ़ ही सकते हैं, कर दिया ब्लॉक का तो भाई सारा। तो भाई चलो देखते हैं, कोई बात नहीं भाई, जितना भी अच्छा लगा तो भाई बढ़िया यार, ऐसे ही ब्लॉग बनाने वाले आप सभी के लिए। और जो है राहुल का तो कल आईटी का, आईटी लगा लो आप जो कि कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर है। और मेरा हिंदी का तो भाई मैं जो मम्मी को आने के बाद सारा का सारा अपना जो मेरे को 6 चैप्टर आने वाले हिंदी में, तो सभी की सभी मैं सुनाने वाला हूँ। और कि फिर मेरे मन में यार जो संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई मैं तेरे को सारे आते हैं और तू पेपर तेरा वो अच्छा जाने वाला है, तो भाई मजा आ जाएंगे फिर तो भाई, बात ही अलग है। तो भाई देखते अभी क्या है, तो अभी मैं याद करता हूँ फटाफट और रिविज़न लेते सबका, फिर जो सुनाते मम्मी को A to Z कम्प्लीट, तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना यार, थोड़ी देर जो है पार्क में खेले, फिर वो भाई आ गए थे तो उन्होंने वीडियो बनाई थी। और जो है यार हम, हाँ सच्ची भाई आप सभी को भाई मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूँ, तो फटाफट एक बार थोड़ा सेटअप कर लेते फिर बताते हैं आपको। जो आज आप सभी को जो इम्पोर्टेंट जो भाई न्यूज़ देनी थी वो है कि जो भी भाई जो नारायण के अंदर जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं आप, न्यूज़ फैक्ट वगैरह कुछ भी बनाते हो कुछ भी, तो भाई हम जो है मीटअप रखने वाले हैं अपने जितने भी अपने क्रिएटर लोग हैं नानून के हमारे शहर के, तो वो सबके सब जो है संडे को भाई जो है, सुबह का प्लान था पहले बट अब जो है शाम का कर दिया है, तो शाम को वो आ जाना सभी के सभी 5 बजे, सभी के सभी 5 बजे दादा देवराज पार्क है, किसको नहीं पता तो भाई अपने पूछ लेना अपने नेबर से, तो भाई वो बता देंगे। तो 5 बजे जो दादा देवराज पार्क है नानून के अंदर, तो भाई नारायण वालों जो भी क्रिएटर है यूट्यूबर्स ओनली या अपने फैन फोन है तो वो आ जाए, आ जाना सभी के सभी 5 बजे। तो भाई एक मीटअप करने वाले हैं, जिसको वीडियो बनानी वो वीडियो बना सकता है, तो भाई सभी के सभी सभी के सभी जो आ जाना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट अपना जो है अपना शहर का वो मीटअप होने वाला है, तो भाई थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखाना, कभी एक बंदा है तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना। तो चलो भाई यही थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो गाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो आपको बता दी, तो भाई आ जाना जिसको भी, देखो कोई फैन है या कोई अपने यूट्यूबर है तो भाई सबके सब आ जाना, जरूर से जरूर आना, तो सब आ जाना भाई। देखो जो भी नानून का है तो दादा देवराज पार्क में आना है 5 बजे शाम के, तो भाई सबके सब आ जाना। तो भाई आज के लोगों में थोड़ा बहुत जितना भी दिखाया तो भाई सपोर्ट करना, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लॉग, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो म्यूजिक बंद कर यार, डांस क्यों कर रहा था? अरे वो प्रिपरेशन होगी ना, और मम्मी ने सारा सुन लिया और मेरे को सारा आता था, इसलिए बिल्कुल मूड फ्रेश हो गया मेरा, और एक नाचने का मन कर रहा था।